हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस वीक का एक बेसिक टेक्निकल एनालाइज के माध्यम से इस वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में हम एक टेक्निकल एनालाइज करेंगे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। तो किस तरीके से इस वीक में मार्केट परफॉर्म कर सकता है इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिलेगा। अगर आप बिगिनर फेसर ट्रेडर हैं तो आपको लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझेंगे हम यूरो यूएसडी पेयर को, ठीक है। यहाँ से यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो हम एक एनालाइज करने वाले हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से एनालाइज करने वाले हैं। यहाँ से गाइस आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया है। थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे चार्ट को, जिससे कि आपको अच्छे से यहाँ से विजिबल हो पाए। देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से यहाँ से मार्केट एक परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। एक रेंज के अंदर यहाँ पे फंसा हुआ मार्केट आपको नजर आएगा, अप डाउन करता हुआ यहाँ पर मार्केट नज़र आएगा। लेकिन फाइनली ना तो अभी हमारे लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं मिला है। तो अभी इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा चार्ट को हम जूम आउट कर लेंगे जिससे कि अच्छे से आपको क्लियर समझ में आए। पिछले वीक की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ से मार्केट एक साइडवेज की तरह ही बिहेव किया है, कोई खास मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ने किया नहीं है। तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए प्रॉपर इस वाले जून तक। यहाँ पर अगर हम एक ड्रॉ करें, एक प्रॉपर जून एरिया अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से आप देखेंगे ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक डाउन ना करे, तब तक हमारे लिए सेल की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बाइंग की बात करें, यहाँ से बाइंग की अगर बात करें, तो यहाँ से मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन और आप देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल जैसा भी है, थोड़ी रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट यहाँ पर दे, थोड़ा रिट्रेस करने आए, इसके बाद हमें बाइंग की तरफ यहाँ से देखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर कोई भी परफेक्ट सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि हमें यहाँ से सेल करना है या फिर बाय करना है, क्योंकि अभी साइडवेज की तरह मार्केट यहां पे बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी पेयर को समझने से पहले दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की लर्निंग से रिलेटेड वीडियो हम पब्लिश करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं नेक्स्ट पेयर जीबीपी यूएसडी के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने जीबीपी यूएसडी चार्ट को ओपन कर लिया है और टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है गाइस, कुछ इस तरीके से। देखिए आप, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अगर आप टचेस यहाँ पे देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे टचेस किया है हमारी ट्रेंड लाइन को, देखिए गाइस, जो कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको विजिबल हो पाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें, तो दोस्तों यहाँ से चार्ट को तो जूम आउट कर लिया है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एक लेवल को यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। चलिए मैं आपको ये लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से अगर हम एक लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आप दोस्तों इजीली यहाँ पर देख पाएंगे मार्केट ने यहाँ से कुछ इस तरीके का यहाँ पे बिहेव किया है। आप देखेंगे जो हमारा पहले सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लिया मार्केट ने, अगेन यहाँ पे थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखा है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आया है, लेकिन ऊपर जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का यहाँ से एक रेजिस्टेंस का रिजेक्शन मिला है, अगेन यहाँ पर ट्राई किया है, फिर रिजेक्शन आया है। आप देखेंगे जो हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ये क्या था दोस्तों, एक सपोर्ट लेवल था जो कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया है मार्केट। पहले जो सपोर्ट लेवल था, अभी बन चुका है एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, एक फिर से रेड कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस वीक में हमारे लिए जीबीपी यूएसडी एक सेल डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ इस लेवल का यहाँ पे हम इजीली हमारा टारगेट रख सकते हैं, जो कि है 35,855 का लेवल है। इस लेवल तक मार्केट हमारे लिए इस वीक में देखने को मिल सकता है। हमने एक बेसिक एनालाइज के माध्यम से समझा है, बाकी गाइस आप भी एक बार अच्छे से यहाँ से टेक्निकल एनालाइज, जो भी आप स्ट्रेटज यूज करते हैं उसके बेस पे ही आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ से सेल साइड का एक एनालाइज किया है कि सेल साइड मार्केट
जा सकता है तो आपको सेल डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करना देना है, ऐसा नहीं करना है, आपको भी एनालाइज करना है। अगर चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पेयर के बारे में समझ लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई पेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने यूएसडी जेपीवाई पेयर को यहाँ से ओपन कर लिया है और कुछ इस तरीके से अगर हम देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो इजीली दोस्तों आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम तक यहाँ से ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टेस्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ रिट्रेस करने के लिए आया, इसके बाद यहाँ पे फॉल कर दिया, इसके बाद अगेन यहाँ पे फिर से एक अप मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ने देखा है। तो दोस्तों अब इस वीक में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है इसके लिए थोड़ा हम चार्ट को करेंगे जूम आउट। जैसे जूम आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमने एक लेवल को यहाँ पर मार किया है, ये देखिएगा इस कुछ इस तरीके से एक लेवल को यहाँ पे मार किया है। और यहाँ से अगर आप समझेंगे तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ देखिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, इसके बाद यहाँ टेस्ट किया, इसके बाद यहाँ अगेन टेस्ट करने के लिए आया हुआ है। तो इस वीक में हो सकता है गाइस यहाँ पे मार्केट हमारे लिए इस जो एक इम्पोर्टेंट अभी रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करता है थोड़ा रिटेस्ट करने आया तो हमें बाइंग की तरफ देखना है, या फिर दोस्तों हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन हमारे लिए देखने को मिल जाए क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि प्रीवियस टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो डाउनसाइड मार्केट देखने को मिल सकता है, कुछ इस लेवल तक हम यहाँ से इजीली टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ब्रेक आउट करता है तो हमारे लिए बाइंग की तरफ देखना है, थोड़ा रिटेच करने आए यहाँ से तक तो इसके बाद बाइंग की तरफ देखना है, हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन आ जाए, ठीक है। रिजेक्शन आता है तो फिर हमारे लिए सेलिंग की तरफ भी यहाँ से देखना है। तो आई होप दोस्तों आपको एक बेसिक टेक्निकल एनालाइज के माध्यम से थोड़ा कुछ आइडिया मिला होगा, थोड़ा कुछ आपको लर्निंग को मिला होगा इस वीक में किस तरीके से ये 3 करेंसी पेयर मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा कुछ भी आपको लर्निंग को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई और भी एक लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।